प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह के बैनर तले शहरी स्व सहायता समूह की महिलाएं वीर सावरकर स्टेडियम पर एकत्रित हुई, जहां वीर सावरकर स्टेडियम से नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकालकर समूह की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां शहरी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने काम दिलाए जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM एवं शहरी क्षेत्र रहने वाली गरीब महिलाओं को राष्ट्रीय आजीविका मिशन शहरी के माध्यम से समूह को स्वरोजगार से बढ़ाने की योजना सरकार द्वारा संचालित की गई है। इस योजना से जोड़कर उनकी आजीविका को बढ़ाने के क्रम में NRLM ने सफलता के लिए नए आयाम गढ़े हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 17 सितंबर को कराहल समूह से जुड़ी महिलाओं की प्रशंसा की थी, जहां NRHM की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्र में काम करने वाले महिला स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी NULM की है, लेकिन इस विभाग में जिन अधिकारी कर्मचारी को जोड़ा गया यह योजना से अज्ञानी है और लापरवाह है। वह महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के बारे में नहीं बल्कि खुद भ्रष्टाचार करने के बारे में सोचते हैं। वह जिन समूह के नाम आवेदन में है वह सभी महिलाएं सक्षम है और रोजगार चाहती है। इन्हें इन समूह में कुछ भी काम देने का कष्ट करें ताकि गरीब महिलाओं को दो वक्त की रोटी में कोई कठिनाई ना आए। शेरपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ का जो पूरे मध्य प्रदेश में आज हमारा महा आंदोलन हो रहा है, वो इस बात को लेकर है कि जो प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें 60% के हिसाब से माध्यान्ह भोजन सांझा चूल्हे की राशि आती है और 40% के हिसाब से मुख्यमंत्री शिवराज राज्य सरकार से आती है। तो इसमें क्या है, 60% पिछले 2006-07 से हमें, मतलब 15 वर्षों से 60% राशि दी जा रही है जो केंद्र सरकार की आती है, बाकी 40% राशि को हमारे मामा शिवराज जी खा रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा हम आरोप लगाते हैं। और यहाँ पर आज हम जिले में प्रदर्शन किए हैं, भोपाल भी हमारा करोड़ों की लाखों की संख्या में प्रदर्शन होगा आगामी डेट में, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। और हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा 15 रुपये, तो 10 रुपये प्राइमरी स्कूल के किए जाए, 15 रुपये एक बच्चे पे माध्यमिक स्कूल का किया जाए, और जो हमारी 40% राशि रोक के बैठे हमारे मामा शिवराज जी जो 15 साल से खा रहे हैं, एक साल का घोटाला हमने चेक किया है तो एक साल का घोटाला 100 करोड़ का, तो 15 साल का घोटाला 1500 करोड़ का। हमें ये चाहिए कि हमारा जो 40% मामा खा रहे हैं वो सभी महिलाओं को दिया जाए 40% के हिसाब से। 100% हमें राशि चाहिए, 100% बच्चों का खाद्यान्न चाहिए, जिससे बच्चों का भरण पोषण भोजन मिल सके और हम समूह महिलाएं परेशान ना हो और उनका मेनू अनुसार खाना दे सके। दूसरा, आप एक और ज्ञापन देने जा रहे हैं जो नगरीय क्षेत्र में समूह है उसको लेकर, उनकी क्या समस्या है? उनकी ये समस्या है कि नगर पालिका NULM जो, जैसे ये आजीविका मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में कुछ को 200 समूह है, 200 समूह में से एक के पास भी कोई काम नहीं है। 19 समूहों को गुमराह करके काम दिया था, उनको सिलाई वाला काम दिया था कि आपको सिलाई सेंटर या सिलाई जाएगी, गणवेश वाला काम जो स्कूल में जाना है, तो उनके खाते में पैसे डाले और वही पैसों को नगर पालिका में जो NULM के अधिकारी जो पदस्थ हैं अभी, उन्होंने ये पैसा निकला लिया ड्राफ्ट, धमकी दे के ड्राफ्ट बना के, और उनका महिलाओं के पास पूरा प्रूफ भी है। और आज हम SP साहब को उसका आवेदन देंगे जो इसकी जाँच करा के इश्तियाक खान पर मुकदमा दर्ज कराएं।